पता नहीं, मुझे अचानक फोन आया, घर पे चार लोग घुस के आए थे जिनके हाथ में चाकू झूले बंद के आए। यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कोई चीज़ लेके नहीं गए, किस मकसद से आए मुझे नहीं पता, आगे की तपास पुलिस कर रही, वो बता देंगे कौन से मकसद से आए। वो किसी को कुछ बोले, डांटे, धमकी या कुछ? बच्चों को किया था, पर कुछ ऐसा किसी को मार वार किया नहीं, पहले बंदूक रखा था उनके ऊपर, बच्चों को चाकू दिखाए, बहू को चाकू दिखाया, बस बाकी सब तपास किया उन्होंने, कुछ घर से लेके नहीं गए। और कैश हमारे घर में रहती नहीं, सोना था वो लेके नहीं गए, पड़ा है वो, बहू के गले में भी सोना था वो भी उतारा नहीं उन्होंने। अभी किस मकसद से आए वो अभी आगे की छानबीन पुलिस करेगी। किसी पे संदेह या शक आपको? कुछ भी शक इस वक्त नहीं है, फुटेज कैमरे में आए हैं, वो कानून बहुत बड़ा है, पकड़ लेंगे, फुटेज में चारों आ गए। आज शाम जलगांव शहर में उस समय सनसनी मच गई जब सिंधी कॉलोनी स्थित खूबचंद साहित्य के मकान में चार लोगों के घुस आने का आरोप किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस दल से एसपी, एडिशनल एसपी और LCBPI घटनास्थल पर पहुंच गए। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है CCTV के आधार पर कि वे कौन चार व्यक्ति थे जो चेहरे पर रुमाल लगाकर खूबचंद साहित्य के पुराने मकान में घुस आए, और आरोप है कि इन्होंने घर वालों को बंदूक की नोक के दम पे धमकाया। इस संदर्भ में अधिक विस्तृत ब्यौरा देने से पुलिस ने इनकार किया है, लेकिन पुलिस CCTV के आधार पर तफ्तीश कर रही है कि वे चार व्यक्ति कौन थे, उनके आने का उद्देश्य क्या था, जबकि खुद खूबचंद साहित्य ने ये माना है कि चोरी या डाका नहीं डाला गया, फिर ये क्या था।